दोस्तों आज आपको हम कोरोना वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस जो है एक संक्रमित बीमारी है जो लोगों से इंसानों में फैलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वायरस, पहले आपको ये जानना होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस जो है कोई सजीव या निर्जीव ये सब नहीं होता है। वायरस जो है इसे कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो बाउंड्री होता है वही है वायरस का। जिस तरीके से एल्गी जो होता है वो प्लांट और एनिमल के बीच में एक बाउंड्री लाइन है जिसे हम एल्गी कहते हैं, उसी तरीके से जो है जो एनिमल और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो एक लाइन होता है उसी लाइन पे होता है वायरस, मतलब वायरस वही है। अब आपको वायरस को समझना होगा कि वायरस क्या होता है। वायरस जो है कंप्लीटली एक जो है जेनेटिक मटेरियल है जिसको आरएनए कहते हैं, और आरएनए और से जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड डबल सिंगल हेलिक्स या डबल हेलिक्स डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो है ये न्यूक्लिक एसिड ही जो है वायरस कहलाता है। वायरस जो है वास्तव में एक केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड जब एटीसीजे एडिनिन साइटोसिन ग्वानिन थायमिन ये चार जो है राइबोन्यूक्लिक कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड होता है, यही कंपाउंड मिलकर टोटल जो है हमारा जेनेटिक का निर्माण होता है। जेनेटिक विज्ञान में जो है यही चार कंपोनेंट जो है एडिनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन और एक यूराकिल आता है जो प्लांट में होते हैं, इन्हीं पांच चीजों से जो है वो मिलके जो है वो पूरे विश्व का निर्माण होता है जो सजीव कहलाता है। इनमें क्या होता है कि वायरस की इफेक्ट जो है रोकने के लिए आप सबको ऐसा करना है कि और समझना है कि वायरस जो है कोई लिविंग नहीं है ताकि आपके तरफ जो है वो बढ़ सके या चल सके, लेकिन ये जो है बिल्कुल ही एक ऑर्गेनिक जो है वो एक न्यूक्लिक कंपाउंड है, और इसी कारण से जो है ये एक एक केमिकल के फॉर्म में ही होता है। ये केमिकल का संक्रमण भी जो है एक ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल इन्फेक्शन कहलाता है। जो वायरस होता है बैक्टीरिया जो है वो एक प्लांट के बोटेनिकल स्टडी में आता है, और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होने के कारण जो है एंटीबायोटिक यूज करने से जो उसके सेल वॉल है वो टूट जाते हैं और बैक्टीरिया का मौत हो जाता है। लेकिन जो है वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं है, इसीलिए वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है एंटीबायोटिक। इसी कारण से जो है वायरल इंफेक्शन में एंटीबायोटिक लेने से परहेज किया जाता है। तो यदि आपको कोई भी इस तरीके से जो कोरोना जिसको कोविड-19 वायरस कहते हैं, ये कोविड-19 वायरस यदि आप में या आपके अगल-बगल किसी को भी ऐसा लक्षण दिखता है जो 3 से ज्यादा दिन से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम होता है, फीवर होता है, ये सिम्टम है कोविड-19 वायरस के, तो इस तरीके के डॉक्टर से चाहे जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें, खुद से मेडिकेशन लेना बंद कर दें और मेडिकल शॉप से भी मेडिसिन लेना बंद कर दें, ताकि क्योंकि होता है क्या है कि हमारे इंडिया में जो मेडिकल शॉप जो है ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे लोग चलाते हैं जिन्हें मेडिसिन की कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होता है। इस वजह से क्या करता है कि वो आपको डे फर्स्ट से जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देगा और आपका जो है कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये एक केमिकल है, उससे बचने की कोशिश करें। और साथ ही जो है ऐसा नहीं है कि यह मतलब सही नहीं हो सकता है, इसका जो टाइम पीरियड है वो मतलब 3 से 14 दिन के बीच में जो है ये आपको इनक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 3 से 14 दिन के बीच में है आपको वो दिखने लगता है सिम्टम, यदि ये वायरल इन्फेक्शन आप में हुआ है। तो इस वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद जो है काफी समय जब बीत जाएगा, कुछ दिन हो जाएगा, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 3 साल बाद जो है हम उसका टीका बनाएंगे, लेकिन वास्तव में ये टीका जो है बॉडी एडेप्टेड हो जाएगा 3 साल के बाद और मतलब कुछ समय के बाद ही हो जाएगा। अभी जैसे चीन में ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे वहां पर जो है मरने वालों की संख्या कम हो रहा है और संक्रमण भी अब कम होने लगा है, क्योंकि जब संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये केमिकल जो है पूरे वातावरण में फैल जाता है तो हमारा बॉडी जो है वो एडिक्टेड मोड में एडिक्शन मोड में आ जाता है, और जैसे ही बॉडी एडिक्शन मोड में आता है फिर इस वायरस का या कोई भी वायरस का इफेक्ट जो है हमारे बॉडी पे पड़ना कम हो जाता है। तो यदि वायरस जो यदि इफेक्ट करता भी है तो हमें इस उस वायरस से ज्यादा समस्या नहीं होता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जो है उस वायरस के लिए जो है एडेप्टेड है और अलर्ट भी है। तो इसी तरीके से जो है वो वायरस का प्रभाव ऐसा नहीं है, ये हमेशा चलने वाला वायरस है, ये कुछ समय बचने की आवश्यकता है, कुछ समय के बाद जो है ऑटोमेटिकली कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगे। तो अपने सेहत का ख्याल रखें, और जो है यदि ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो कोरोना कोविड-19 वायरस पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।